सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं चाय की चुस्की के साथ रजाई में पड़े पड़े अखबार पढ़ रहा हूँ और तीसरे पेज पे अचानक से मेरे सामने ये खबर आती है, वायरल गे कपल जस्ट बिकेम पेरेंट्स। ये खबर पढ़ते ही आपके दिमाग में भी वही बात आई जो मेरे दिमाग में आई थी, तो ध्यान से समझो ये बच्चा आया कहाँ से। देखो, एक बेबी बनने के लिए चाहिए एक फीमेल का एग और एक मेल का स्पर्म। अब चूंकि इन्हें बच्चे में आर्टिस्टिक स्किल्स चाहिए थी, इसलिए इन्होंने एग लिया एक आर्टिस्ट फीमेल एग डोनर से। फिर इन दोनों गे कपल में से किसी एक ने अपना स्पर्म डोनेट किया। फिर इस एग और स्पर्म को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवा के एम्ब्रियो तैयार किया गया एंड देन एम्ब्रियो को एक सरोगेट वुमेन के यूटरस में ट्रांसफर कर दिया गया। सरोगेट वुमेन यानी एक ऐसी महिला जो इस बच्चे को जन्म देगी और उसके बाद अपने काम से काम रखेगी। जो भी हो, मई 2030 में फाइनली इन दोनों का पेरेंट्स बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। गजब की बात यह है कि रिसर्च कहती है कि गे कपल्स के बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल कपल्स के बच्चों की तरह ही होती है, बल्कि तुलना में ये बच्चे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो फाइनली नाउ यू नो कि अगली बार डेट पे किसके साथ जाना है।